हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं राठौर इलेक्ट्रिक वर्क सेंटर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो दोस्तों, इस 220 हैमर को रिपेयर करना है, जिसमें कि हैमर और ड्रिल दो मूड होते हैं। तो सबसे पहले हम इसे हैमर मूड में चलाकर देखते हैं तो यह काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। अब हम इसके ड्रिल मूड को टेस्ट करते हैं तो यह भी काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है दोस्तों? इसमें प्रॉब्लम यह है कि इसमें जब हम इसके बर्मे को सेट करते हैं तो इसके माउथ में से यह बर्मा बाहर निकल आता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दोस्तों, हम सबसे पहले इसके माउथ में लगे हुए इस रबर कैप को बाहर निकालते हैं। इसके बाद इसमें लगा यह स्टॉपर होता है, जिसे कि हम एक स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इस प्रकार बाहर निकाल लेते हैं। बड़ी ही आसानी से यह स्टॉपर बाहर निकल आता है दोस्तों। इसके बाद यह प्लास्टिक कैप भी बाहर निकल आता है और इसमें यह लोहे की गोली रहती है। इस गोली को हम इस प्रकार बाहर निकाल लेते हैं और इसके बाद यह लोहे की पत्ती को बाहर निकालते हैं। इसके बाद यह स्प्रिंग रहती है, जिसे कि हम बाहर निकाल लेते हैं। इस प्लास्टिक कैप में भी एक लोहे का बासर रहता है दोस्तों, जो कि उस लोहे की गोली को प्रेस करने का कार्य करता है। तो अब हम इस सभी पार्ट्स को चेंज करेंगे दोस्तों। तो यह देखिए दोस्तों, यह नया 220 हैमर का माउथ है, यह प्लास्टिक का कैप है, यह स्प्रिंग है, इसमें यह स्टॉपर दिया हुआ है और यह लोहे की पत्ती है और यह लोहे का बासर है, यह रबर कैप है और इसके साथ यह लोहे की गोली भी साथ में आता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम इस छेद को अपनी तरफ करते हैं। इसके बाद हम यह स्प्रिंग इसके ऊपर से उल्टा लगाते हैं, जैसा वीडियो में दिखाया जाता है, और इसके बाद हम इस लोहे की पत्ती को रखते हैं। इस प्रकार पत्ती को रखने के बाद अब हम इसमें लोहे की गोली को लगाते हैं दोस्तों। यह देखिए इस प्रकार। इसके ऊपर अब हम इस लोहे के बासर को रखते हैं इस प्रकार। लोहे के बासर को रखने के बाद अब हम इसमें इस प्लास्टिक कैप को इसके ऊपर रखते हैं। प्लास्टिक कैप रखने के बाद दोस्तों, अब हम इसको इस प्रकार प्रेस करते हैं। प्रेस करने के बाद अब हम इस स्टॉपर को इस प्रकार एक स्क्रू ड्राइवर की सहायता से उसकी जगह पर सेट कर लेते हैं। स्टॉपर को अच्छी तरह सेट करने के बाद अब हम इसके माउथ पर यह रबर कैप को भी लगा देते हैं। अब हम दोस्तों इस बर्मे को इस माउथ में लगाते हैं और खींच कर देखते हैं कि यह बाहर निकल रहा है कि नहीं। तो अब हम इसे इस प्रकार हिलाकर भी देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इतना हिलाने के बाद भी यह बाहर नहीं निकल रहा है।
तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है दोस्तों। अब हम इसे एसी में लगाकर टेस्ट करते हैं तो देखिए दोस्तों हमारा हैमर अच्छी तरह से वर्क करने लगा है। इस प्रकार हम 220 हैमर का माउथ चेंज कर सकते हैं। वीडियो इतना ही था, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।